सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अनसीन नॉर्थ ईस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं 7 स्टेट्स में से एक स्टेट्स के बारे में, और वो है मेघालय। मेघालय स्टेट में घूमने की 20 ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में फर्स्ट से लास्ट तक। सबसे पहले नंबर पे आता है चेरापूंजी, जहाँ 12 महीना बारिश होता है और लोग देश से विदेश से आते हैं जगह देखने के लिए, घूमने के लिए। टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए और नज़ारा का मज़ा लेने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है बालपाक्रम नेशनल पार्क। अगर आप दुनिया में दूसरा जन्नत देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेघालय में बालपाक्रम नेशनल पार्क को विज़िट करिए, क्योंकि उसको लोग जन्नत बोलते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, जैसे कि रेड फेंटा, वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, लियोपार्ड्स, वाइल्ड काउस, मार्बल कैट, और कुछ रेयर स्पेसीज भी मिलेंगे जैसे कि लेज़र पांडा, इंडियन विजन, स्टेरो। अब हमारे तीसरे नंबर पे आता है शिलोंग। शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है और घूमने की सबसे मस्त जगह है, जहाँ पे 12 महीना बारिश होता है और देखने को बहुत मनपसंद चीज़ भी मिलेगा आपको उधर। उधर बहुत मस्त मस्त पार्क है, घूमने की जगह है, शॉपिंग मॉल्स है, हिल्स है, हिल स्टेशंस है। अब बात करते हैं अपना एलिफेंट फॉल्स के बारे में, जो एक झरना है जो अपनी मेघालय की सुंदरता को और दिखाती है, जहाँ पे लोग आते हैं बहुत स्टेट से, अलग अलग स्टेट जैसे आसाम से, त्रिपुरा से, अरुणाचल से लोग घूमने के लिए, जगह को देखने के लिए। और ये करीब शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। मानो कि ये कुदरत की एक अजूबा है, क्योंकि ये 200 साल पुराना है और ये पूरा रबर से बना हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं रबर ट्री। ये रबर ट्री से बना हुआ है। ये करीब 3 किलोमीटर लॉन्ग है और 2400 फीट ऊंचाई में है, तो एक साथ इसमें 50 लोग आ सकते हैं। और ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही मस्त लिविंग रूट ब्रिज है, और ये एक्चुअल चेरापूंजी में पड़ता है। और अगर ट्रैक के लिए आप जाते हैं तो ज़रूर विज़िट करिए इसमें, और करीब इसमें ट्रैकिंग के लिए 4 से 6 घंटा लगेगा। और विजिटिंग जब करोगे तो ज़रूर मई से सितंबर पे जाना घूमने के लिए, और सितंबर में थोड़ा स्लीपी रहेगा, थोड़ा स्लीपी रहेगा, और जाएंगे तो अच्छे शू लीजिएगा, उसके शू का भी अच्छा ग्रिप होना चाहिए। डॉन बॉस्को म्यूज़ियम, तो जो भी उधर घूमने जाते हैं उधर जाके आप देख सकते हैं 17 गैलरीज है, और वो शिलोंग में है अपना डॉन बॉस्को म्यूज़ियम, और जिसमें हम लोग देख पाएंगे जाके अरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस, एंटीक्स, क्लॉथिंग टाइप, जैसे कि लोग कौन सा ड्रेस पहनते थे उधर के लोग, कौन अभी भी कैसा पहनता है, ये सब। तो क्लोथिंग टाइप्स, वेपन्स एंड पेन स्टॉकिंग वॉर। क्या आपको पता है कैलन रॉक सिर्फ और सिर्फ 78 किलोमीटर्स दूर है शिलोंग से, और ये सी लेवल से 5400 फीट ऊपर है। मानो कि ये शिलोंग का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जहाँ से हम कुछ भी देख सकते हैं। और ये एक पत्थर का शेप है, लवली टाइप का, जहाँ पे लोग बहुत जगह से आते हैं ये पत्थर को देखने के लिए, केलांग रॉक। आपको भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा है।
फिर आता है मालीडोर लेक। ये जगह का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। फिर आता है बागमारा, बागमारा रिजर्व फॉरेस्ट, जो बागमारा टाउन से करीब 4 किलोमीटर अंदर है, जहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंगूट्स, इलेफेंट्स और बहुत सारे अलग प्रजाति। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीजू बर्ड, जो अभी विलुप्त होने वाले ही है, ऐसे ही है। तो वो लोग जाके एक लाइमस्टोन में बैठते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसेस दिस चैम्बर। तो वो लोग कम से कम साल में अक्टूबर से जनवरी में ही आते हैं, तो अगर आप कभी जाते हैं तो अक्टूबर के जनवरी के बीच में जाइए, जाके उनको देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं नोहकालीकाई वाटरफॉल्स के बारे में, जो मेघालय के शान आन मान शान से, जिसको हम जन्नत की तरह देख सकते हैं और सोच भी सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे, और वहाँ का एंट्री फीस है करीब 10 रुपया 15 रुपया ऐसा करके विजिटर्स से लेते हैं। वो करीब मौसमाई केव के बारे में बात की जाए तो वो 150 मीटर्स लॉन्ग है, और वो सबसे अनोखा केव है पूरे मेघालय में, क्योंकि उसके अंदर जो वेजिटेशंस है वो इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि जब अंदर कोई व्यक्ति जाए तो उसका आँख में लग के आँख तो ग्रेव हो सकता है। और वो करीब 6 किलोमीटर डिस्टेंस है अपना चेरापूंजी से मौसमाई केव। उसका एंट्री फीस भी करीब 10 रुपया है, और उसमें एंट्री टाइम करीब 9:30 AM to 5:30 PM है। एक्चुअली ये लेक मैनमेड लेक है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनवाते वक्त ये लेक बनाए थे। ये लेक सिचुएटेड है करीब शिलोंग का नॉर्थ से 15 किलोमीटर दूर। पूरा की बात करें तो वो जहाँ पे हम देख पाएंगे कुछ स्पेसिस जैसे कि लियोपर्ड, गोल्डन कैट, वाइल्ड बफेलो एंड पिशन। और सिजू केव वहाँ पे नज़दीक है, तो वो जगह सिजू केव के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है, तो लोग जाते हैं तो उधर सिजू केव में भी जाके विज़िट करते हैं। वो जगह एक्चुअली वेस्ट गारो हिल्स में पड़ता है, और विज़िट करने का सही समय रहता है दिसंबर से फरवरी। जुआई जो स्थित है गारो हिल्स में, और जुआई भी मेघालय का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और वो एक्चुअली फेमस है उसका रीति रिवाज, फॉल्क डांस वगैरह ये सब के लिए, उनके लाइफस्टाइल्स की वजह से। अगर वहाँ पे जाते हो कभी तो ज़रूर विज़िट करिएगा थर्ड लस्केन लेक को, वहाँ पे जाके आप कुछ समय भी बिता सकते हैं। और वहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट समय है मार्च से मई तक। कि आपको पता है मेघालय के सबसे छोटी टाउन नोंगपो खास हिल्स में पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के सिर्फ बाजू में ही है, और उसके आजू बाजू का जो सीनरी होता है वो एकदम से गजब होता है, और वो टाउन बहुत क्लीन है, और वो एक्चुअली रिबोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में पड़ता है। उसके बाजू में आप जाएंगे रहने के लिए तो कनान रिसोर्ट और चिटलिक रिसोर्ट पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का रेटिंग अच्छा है 4.5 4.3 ऐसा कुछ करके। मेघालय में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह में से एक विलियम नगर। विलियम नगर में वनस्पति और जीवों की भरमार है, शहर सुंदर पहाड़ और नदियों से भरा हुआ है। आपको पता है इसका नाम मेघालय के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। सुंदर शहर सिमसंगन नदी के किनारे स्थित है। यदि आप ग्रामीण जिलाओं इलाकों की खोज करना चाहे तो निश्चित रूप में इस जगह का यात्रा। डाउकी का तो परिचय
ना देने से ही बेटर, क्योंकि डाउकी हर जगह फेमस है। इंस्टाग्राम के रील्स, गूगल, यूट्यूब, चारों जगह डाउकी फेमस है। डाउकी फेमस इसलिए कि उसका क्लियरिटी ऑफ वाटर, आप देख सकते हैं कितना क्लियरिटी ऑफ वाटर है। और एक्चुअली वहाँ पे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि बांग्लादेश और इंडो बॉर्डर के बाजू में ही है। अगर आप मेघालय विजिट करते हैं तो डाउकी विजिट करिएगा। सिंड्राम, ये जगह को कहते हैं द वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये जगह पे साल में इतना बारिश होता है, वर्ल्ड में उतना बारिश कहीं पे नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह मौसिनराम है। मेलनोंग विलेज, ये विलेज की बात की जाए तो कम पड़ेगी, क्योंकि ये विलेज एशिया का टॉप मोस्ट विलेज है जो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट है। तो एशिया में जितने भी विलेज सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज यही है। यहाँ के लोग इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, जिधर भी कचरा वचरा कुछ भी रहे तो लोग ही खुद साफ़ कर देते हैं।